सरकार के निजीकरण के नीति के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। हम सभी सरकारी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। यह सांकेतिक हड़ताल दे करके सरकार को चेता रहे हैं कि अगर सरकार इस दो दिन के सांकेतिक हड़ताल पर अपना रास्ता नहीं चेतती है, निजीकरण का बिल वापस नहीं लेती है, बैंकिंग सुधार अधिनियम बिल वापस नहीं लेती है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण एवं बैंकिंग संशोधन बिल 2021 के विरोध में शहर के मिठनपुरा स्थित बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय के समक्ष बैंक कर्मियों ने हड़ताल के दूसरे दिन जमकर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार और फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बैंक अधिकारियों का AIBOC एकमात्र संगठन है जिसने राष्ट्रहित में केंद्र सरकार की प्रत्येक नीतियों का क्रियान्वयन ईमानदारी से किया है। सांकेतिक हड़ताल पे है, इसका दूसरा दिन है और हम सरकार के निजीकरण के नीति के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। हम सभी सरकारी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी, अन्य संगठनों के, चाहे वो बीमा संगठन हो, रेल का संगठन हो, बाकी अन्य सरकारी संस्थानों के जो संगठन हैं उनके समर्थन से LIC है, GIC है, हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। यह सांकेतिक हड़ताल दे करके सरकार को चेता रहे हैं कि अगर सरकार इस दो दिन के सांकेतिक हड़ताल पर अपना रास्ता नहीं चेतती है, निजीकरण का बिल वापस नहीं लेती है, बैंकिंग सुधार अधिनियम बिल वापस नहीं लेती है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे।